नमस्कार, बहु एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश पड़ियाल। इस समय हम उधमपुर के जिला हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये उधमपुर हॉस्पिटल है और यहां एक चार दिन पहले एक जो है अज्ञात महिला द्वारा जो है इस चाइल्ड वार्ड में एक बच्ची को यहां रखा गया था और आज इस बच्ची को जो है जम्मू चाइल्ड केयर त्रिकुटा नगर में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है लगातार वेरीफाई कर रही है और डिस्चार्ज के जो है लगातार कागज़ जो है वो तैयार कर रही है। जब तक जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की जाती तब तक इस बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर त्रिकुटा नगर जम्मू में रखा जाएगा। लगातार जो है पुलिस अपना काम जो है वो निभा रही है और लगातार ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार वो अज्ञात महिला कौन है और इस बच्ची के असली माता पिता कौन है। होता तो है प्यार। अब कितना फील हो रहा है आपको आज बच्ची यहाँ से जा रही है? जी हम बता ही नहीं सकते, बड़ा फील हो रहा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे थे, आपने अपनी गोद में किसको खिला रहे थे, क्या कहना चाहेंगे, कितना फील हो रहा है? मुझे तो अपने बच्चों से ही ज्यादा ऐसे लग रहा है, अपनी बेटी को दे रही हूं ऐसे। वो माँ बगैर कैसी थी कैसी नहीं, पर मेरे से नहीं देखने जा रहा है किसी को आगे देते। ये देखिए इनकी आंखों में भी आंसू, आंखों में आंसू आ गए। देखिए क्योंकि इस बच्ची को आपकी विदाई जाती है, ये घर से उस तरह से वेलफेयर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा इसे बच्ची को लिया जा रहा है, यहाँ पे रखा गया, लेकिन पूरा स्टाफ उसके साथ आया हुआ है। आंखों में आंसू हैं कि विदाई जो की जा रही है, छोड़ने को मन नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे लाया जाएगा। देखिएगा, मैं क्लोज करूँगा अपने कैमरा मैन से कि बच्ची को क्लोज दिखाया जाए, बच्ची का चेहरा पूरी तरह से दिखाया जाए। ये देखिए, ये बच्ची देखिए, ये अभी चार पाँच दिन की थी। मैंने मासूम बेटी को रखा जाएगा नगर के चाइल्ड क्रेडल चाइल्ड केयर सेंटर में। चढ़ो को चुके आखिरकार ये बच्ची किसकी है? वायलेशन कोई हो नहीं सकता कि अपने अपनी बच्ची को इस तरह से मौत के मुंह में धकेल देना। ये बहुत बड़ा एक जुर्म किया है उस परिवार ने, पर फिर भी हमारा समाज में, धन्यवाद करता हूँ मीडिया का भी और यहाँ के इस समाज का, कैसी सोच है कि बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए हज़ारों हाथ आगे। इसके लिए मुझे लगता है कि वाकई ही इंसानियत आज भी जिंदा है और मैंने भी ये बात अपने परिवार के साथ कही थी कि मैं भी इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार था, तब तक किसी और ने मतलब अडॉप्ट कर दिया, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ठीक है, लेकिन मतलब इसको अडॉप्ट जैसे कोर्ट फैसला देगी वैसे होगा, लेकिन मैं भी तैयार हो जाता हूँ कि कन्या हमारे समाज में जिसको मतलब इतनी महत्ता दी जाती है, उसको पूजा जाता है, उसको लक्ष्मी कहा जाता है, उसको देश की एक बहुत बड़ी एक प्रतिभाशाली कहा जाता है औरत को, और बच्ची को इस तरह से करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ, उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज के बीच में, और कन्याओं को, लड़कियों को बहुत जो प्रायोरिटी है वो मिलनी चाहिए समाज के अंदर, तभी हमारा जो समाज है वो अच्छा बन सकता है, माशरा अच्छा बन सकता है। थैंक यू सो मच, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये मैं भी इसी हॉस्पिटल में आया था, मुझे भी कोई ऐसे एमरजेंसी आना पड़ा, पर यहाँ पे आके मैंने जो देखा, और छोटी सी बच्ची को कोई ऐसे ही छोड़ के चला गया है, ये हमारे J&K डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए बड़ी शर्म की बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए था पर हो गया। लेकिन उसकी वजह से जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे कि वो बोल रहे हैं कि हम इसको ले जाएंगे, लेकिन मैं उस माँ को भी बोलना चाहता हूँ, उसकी फैमिली को बोलना चाहता हूँ कि आज तक जो भी हो गया, किसी ने जिसने भी किया, उसने किसी के लिए नहीं किया, उसने अपने के लिए किया है।
क्योंकि ये बच्चा जो एक हिसाब से उसने हत्या ही की है, और जो ये अगर वो किसी को भी मिलती है या कहीं भी पता चलता है उसको कानून के हवाले ज़रूर करना है, क्या ताकि कल की कोई ये ऐसा काम कोई दोबारा ना करे। और ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के जसपाल शर्मा कि ऐसा कोई कभी भी मत क्यों माता पिता सामने आना चाहिए, अगर उन्होंने गलती की भी है तो उनको स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन ऐसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ अगर वो उनका पता चलता है उनको वो सज़ा के हकदार हैं और वो सज़ा मिलनी चाहिए इनकी। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल, बाहु एक्सप्रेस न्यूज, उधमपुर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।